आज हम मांग की लोच के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग का नियम हमने देखा। मांग की लोच अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, विचार है। कुछ अपवादों को छोड़कर वस्तु की मांग एवं मूल्य में परस्पर विपरीत संबंध होता है, अर्थात किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि तथा मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके मूल्य में थोड़ी सी कमी या वृद्धि हो जाने पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उनकी मांग पर जो प्रभाव है बहुत ही सीमित होता है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप इसकी मांग में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच के प्रकार, मांग की श्रेणियां, निर्धारित तत्व आदि के साथ साथ हम इसमें मांग की लोच का अर्थ, परिभाषा आदि का अध्ययन करते हैं। मांग की लोच का अर्थ, सामान्यतः जब मांग की लोच की बात की जाती है तो मांग की कीमत लोच की तरफ ही संकेत करती है। मांग की लोच वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन तथा इस परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में हुए आनुपातिक परिवर्तन का अनुमान होता है। साधारण शब्दों में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच एक दिए हुए मांग वक्र पर कीमत के परिवर्तन से मांग के परिवर्तन की मात्रा अथवा मांग में होने वाली प्रतिक्रिया के अंश को दिखाती है। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति या क्षमता होती है उस क्षमता या प्रवृत्ति को लोच कहा जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। सबसे पहला है मार्शल के अनुसार, बाजार में मांग की लोच अधिक या कम है, ये इस बात पर निर्भर है कि मूल्य में निर्दिष्ट कमी के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में अधिक या कम वृद्धि होती है तथा मूल्य में निर्दिष्ट वृद्धि से मात्रा में अधिक या कम कमी होती है। अगर दूसरी परिभाषा हम महत्वपूर्ण है उसको अगर आप देखें तो वो है परिभाषा प्रोफेसर सैमुएलसन के अनुसार, मांग की लोच का विचार बाजार कीमत माना कि पी में परिवर्तन के उत्तर में मांग की मात्रा माना कि क्यू में परिवर्तन के अंश अर्थात मांग में प्रतिक्रियात्मकता के अंश को बताता है। यह मुख्यतया प्रतिशत परिवर्तनों पर निर्भर करता है और पी तथा क्यू को मापने में प्रयोग की जाने वाली इकाइयों से स्वतंत्र होता है। इसी तरह से प्रोफेसर बोल्डिंग तथा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने मांग की लोच को गणितीय ढंग से परिभाषित किया है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। समीकरण के रूप में मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी तरह से मांग की लोच को अगर हम निकालते हैं तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन और कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन मांग की लोच को बताता है। इसको
इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि मान लीजिए किसी वस्तु एक्स की कीमत 8 रुपये प्रति इकाई है और इस कीमत पर उस वस्तु की मांग 200 इकाइयां होती हैं। यदि वस्तु की कीमत घटकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाए तो मांग बढ़कर 500 इकाई हो जाती है। ऐसी अवस्था में मांग की लोच उपरोक्त समीकरण के अनुसार कीमत पी 8 रुपये प्रति इकाई, मांग क्यू 200 रुपये इकाई, कीमत 4 रुपये प्रति इकाई, मांग 500 रुपये प्रति इकाई। मांग का आनुपातिक परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, पहले की मांग 500/200, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन 4, पहले कीमत 8। अब मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन अर्थात 500/200/4/8 बराबर 2.5 / 0.5 = 5। इस प्रकार मांग की लोच के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। दूसरा, परिवर्तन अल्पकाल के लिए होता है तथा कीमत व मांग में आनुपातिक संबंध को बतलाता है। ये मांग की लोच का आधारभूत सूत्र है। मांग की कीमत लोच सदैव ऋणात्मक होती है क्योंकि मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से विपरीत होता है, परंतु व्यवहार में मांग की लोच व्यक्त करते समय ऋणात्मक निशान को नहीं लिखा जाता। मांग की लोच और मांग की कीमत लोच दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। अब देखिए, मांग की कीमत लोच की कुछ श्रेणियां हैं, मात्राएं हैं। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होने पर भी या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग में बहुत अधिक कमी या वृद्धि होती है तब वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार कहा जाता है। दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अत्यंत ही न्यून, सूक्ष्म या शून्य परिवर्तन होता है, ऐसी दशा को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। तीसरी, अत्यधिक लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी दशा को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसी प्रकार जो चौथी श्रेणी है वो है लोचदार मांग, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो लोच इकाई के बराबर अर्थात E=1 होती है। इसी तरह से लास्ट जो इसकी डिग्री है वो है जब मांग का आनुपातिक बेलोच मांग, जिसको इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो इस स्थिति को बेलोच मांग कहा जाता है। इस प्रकार हमने मांग के जो लोच की श्रेणियां हैं, एक पूर्णतः बेलोचदार मांग जहां पर पूर्णतः लोचदार मांग, अत्यधिक बेलोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग और एक लोचदार मांग, ये पांचों ही श्रेणियां हमें इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी मोर देन 1 और इलास्टिसिटी 0 और इलास्टिसिटी इन्फिनिट, ये सारी हमें इस प्रकार से बताती हैं कि
कीमत और मांगे जाने वाली मात्रा के संबंध को बीजगणितीय सूत्र में अगर हम डालते हैं तो जो मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो हमारे सामने आती हैं। धन्यवाद।